इस साल आपने KGF और RRR देखा होगा और ये जरूर सोचा होगा कि अब इससे बड़ी मूवी तो बॉलीवुड वाले लाने से हैं। मगर आप ऐसा अभी भी सोच रहे हैं तो जरा रुकिए जनाब, रणबीर कपूर ऐसा नहीं मानते। पहले तो ब्रह्मास्त्र के ट्रेलर से आग लगाने के बाद जनाब अब लेकर आ गए हैं शमशेरा। जी हाँ साथियों, शमशेरा का टीजर आज रिलीज हो चुका है और टीजर को देखने के बाद सिर्फ एक शब्द दिमाग में आता है, गूज़बम्प्स। टीजर को देख के KGF और RRR जैसे सीन्स दिमाग में आते हैं। सच मानिए दोस्तों, अगर टीजर की तरह फिल्म भी एक्सपेक्टेशंस पर खड़ी उतरती है तो पुष्पा KGF और RRR के सामने मुकाबला करने सबसे आगे शमशेरा जरूर खड़ा होगा। टीजर की बात करें तो संजय दत्त इसमें विलन होंगे, जिनका रोल बहुत ही खतरनाक है। और संजय दत्त को तो आप जानते ही हैं, KGF में उन्होंने एक ऐसा रोल किया था, उनको देखने के लिए दर्शक बहुत उत्साहित रहती है। पुलिस के रोल में दिखने वाले हैं, जिनके सामने होंगे रणबीर कपूर जो डाकू के रोल में दिखेंगे और अपनों के लिए लड़ेंगे, मतलब इस फिल्म के हीरो होंगे। एक तरफ बंदे ने ब्रह्मास्त्र तो दूसरी तरफ शमशेरा से सबकी उम्मीदों को जगा दिया है। दो दिनों में शमशेरा का ट्रेलर भी आ जाएगा, जिससे हमें और डिटेल में पता लग सकता है कि मूवी कहां तक जा सकती है। इस मूवी के डायरेक्टर करण मल्होत्रा हैं, जिन्होंने फेमस अग्निपथ मूवी को डायरेक्ट किया था, जिसमें ऋतिक रोशन और संजय दत्त थे। संजय दत्त का कांचा वाला रोल तो आपको याद ही होगा। बात करें रणबीर कपूर की तो बंदा हर बार कुछ अलग करता है, जिससे हमें बहुत अलग अलग मूवीज़ देखने को मिलती हैं। अगर ब्रह्मास्त्र और शमशेरा हिट हो जाती है तो समझ लीजिए जनाब, रणबीर कपूर बॉलीवुड में एक अलग ही पहचान और स्टारडम क्रिएट कर देंगे। अब आप बताइए आपको ये टीज़र कैसा लगा, क्या लगता है साउथ सिनेमा को ये मूवी बराबर का टक्कर दे पाएगी या साउथ सिनेमा इनसे काफ़ी आगे निकल जाएगा? अपनी राय ज़रूर बताएं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।